हिसार प्रदेश में जिला किन्नौर के अंदर लोकसभा चुनाव में वोटिंग की प्रतिशतता सबसे कम है। ऐसे में जिला निर्वाचन विभाग आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में 100% मतदान और मतदान प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, जिसके तहत गांव-गांव जाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित और जागरूक किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने रिकांगपियो में कहा कि जिला के अंदर आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए लोगों को लगातार स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के अंदर जिला किन्नौर में लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रतिशतता सबसे कम है। ऐसे में इस बार जिला निर्वाचन विभाग की ओर से जिला के सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की योजनाएं बनाई जा रही हैं, और जिन मतदान केंद्रों में सबसे कम वोटिंग प्रतिशतता है वहां पर पारंपरिक लोक नृत्य के साथ चाय पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में 100% मतदान और मतदाता प्रतिशतता बढ़ाने में नए मतदाताओं का अहम योगदान हो सकता है, इसीलिए नए मतदाताओं को स्वीप कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर लोकसभा चुनाव में अपने मतदान केंद्रों में जाकर अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए भी विशेष रूप से प्रेरित और जागरूक किया जा रहा है। पूरे किन्नौर जिला में यही इन्फॉर्मेशन और लोगों को प्रेरित करना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने मतदान का यूज करें, और जो ट्रेडिशनली हमारा पिछले एक दो इलेक्शन ये रहा है कि किन्नौर की वोटिंग परसेंटेज जो है वो हिमाचल में बिलो एवरेज मानी जाती है, क्योंकि हम उस जिले से हैं जिसमें हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वोटर्स भी रहे हैं श्याम शरण नेगी जी, जिनका पूरी दुनिया में उनको एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है। तो इसलिए मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि किन्नौर में वोटिंग की प्रतिशतता है, मैं चाहूंगा कि हिमाचल में टॉप पे रहे इस बार, यही मेरा सब लोगों से आह्वान है, और यही लोगों से कॉपरेशन चाहिए होगी। इसके अलावा जो हम कुछ निमंत्रण पत्र हैं हमारे जो सीईओ ऑफिस से हमको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिले हैं, जिसमें कि हम जो वोटर्स हैं हमारे, खासकर जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं या 85+ हैं जो होम वोटिंग नहीं अपना रहे, उनको प्रेरित करने के लिए ये निमंत्रण पत्र भी हम बंटवाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।